ठीक है, तो लिखो टॉपिक लिखो और क्या क्या इसमें पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग वो चीज देख लेते हैं। दीज आर द कंटेंट्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर, किस तरह से क्लासिफाई किए गए हैं। फिर हम लोग देखेंगे एनर्जी बैंड जो होता है, उसका एक थ्योरी होता है, वो हम लोग देखेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर का, फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर उनका कैसा होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, फिर सेमीकंडक्टर का टाइप होते हैं, ये सब हम देखेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इधर विजिबल है, विजिबल है सभी को है? ये नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना यहाँ? हाँ, तो फिर क्या दिख रहा है? ओके, तो उसके अलावा करेंगे पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन जो होता है, इसमें डायोड के लिए होता है, डायोड बनता है सेमीकंडक्टर से, उसके बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल बैरियर उसी में पीएन जंक्शन में आता है, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस ये सब रहते हैं। कॉपी कर लो इसको, कॉपी करो। ओके, नेक्स्ट फिर हम लोग करेंगे पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन जंक्शन किए थे उससे डायोड बनता है, ठीक है। तो डायोड में ये सब टॉपिक्स होते हैं, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, स्पेशल पर्पस डायोड्स, ट्रांजिस्टर फिर करेंगे, फिर लॉजिक गेट्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट। ये इतना जो है इस चैप्टर का कंटेंट है टोटल। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, सेमीकंडक्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला ये चीज, तो देखो जितना भी आजकल जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं के टाइम जितने भी हैं, वो सब सारे सेमीकंडक्टर पर ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग जो लिखे हैं, देखो कंप्यूटर, पाम पायलट, लैपटॉप्स, ठीक है, कोई भी चीज़ जो है, सेलफोन, पेजर, सीडी प्लेयर, जितना भी चीज़ है, सभी के अंदर सेमीकंडक्टर पर तुम्हारा कुछ सर्किट बना रहता है और उसी पर सारा काम करते हैं, ठीक है। जिसमें देख सकते हो क्या, टीवी रिमोट, मोबाइल टर्मिनल, सेटेलाइट डिशेस, फाइबर नेटवर्क, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल्स, वो सब में भी सेमीकंडक्टर रहता है, एयरबैग जो कार, ये सब में लगा रहता है, ठीक है। और इस साइड जो लिखा हुआ है, सेमीकंडक्टर का भी अलग अलग टाइप होते हैं, वो सब लिखा हुआ, सिलिकन का मॉस्फेट होता है, मॉस्फेट में मेटल ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ऐसे बोलते हैं, ठीक है, सिलिकन आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, गैलियम आर्सेनाइड, एफईटी, तो ये सब अलग अलग सेमीकंडक्टर में और एडवांस्ड जो है वो सब है। तो इसको कॉपी करने का जरूरत नहीं है, लेकिन लिख सकते हो कि इट इज यूज्ड, शॉर्ट में लिख सकते हो, सेमीकंडक्टर इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सेमीकंडक्टर जो होता है, विजिबल है, ऊपर वाला लाइन जो विजिबल है, है? इसमें दिख रहा है, इसमें ठीक है, ओके चलो ठीक है, इसमें आँख बहुत लगता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर और मटेरियल हुज इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। तो एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, तो जनरली फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट रहेंगे, सिलिकॉन जर्मेनियम हो गया, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाइक करेगा। अब जैसे कंडक्टिविटी की अगर बात किया जाए, तो कंडक्टिविटी जो है, ये कंडक्टिविटी लिखा हुआ है तीनों मटेरियल का, इंसुलेटर्स में देख रहे हो, इफ इट 10^-18, ये वेरी स्मॉल, एंड सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन 10^-8 टू 10^-3,
एंड कंडक्टर्स आर -3 through 18। तो ये एक कोई इसके बीच जो है ऐसा नहीं कि एकदम क्लियरली डिफाइंड, ऐसे हम लोग हमारा माना हुआ है, ठीक है, वी हैव कंसीडर्ड ए बाउंड्री, इससे ज्यादा होगा तो कंडक्टर बोलेंगे, इससे कम होगा सेमी कंडक्टर एंड फिर इंसुलेटर्स, ठीक है। तो लिख लो ये वैल्यूज, राइट दीज वैल्यूज, डेफिनेशन लिख लोगे, सेमी कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स हुज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाई बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड देयर कंडक्टिविटीज आर इन दिस रेंज। ओके नेक्स्ट हो गया कॉपी, ओके नेक्स्ट यू विल सी, इज इट कॉपीड, ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल से कौन कौन से होते हैं। देखो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जो है वो तुम्हारा सिलिकॉन जर्मेनियम होगा, ऑल्दो इन दैट ग्रुप कार्बन इज ऑल्सो इन द सेम ग्रुप, बट कार्बन जो कंडक्टिविटी वाइज होता है वो इंसुलेटर में आ जाता है कंडक्टिव, बट जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम, बिकॉज दे ऑल आर इन फोर ग्रुप। सो मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर्स आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एलिमेंटल, अपार्ट फ्रॉम दिस एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स वी ऑल्सो हैव कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, कंपाउंड मींस व्हाट, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड सच एज, जैसे कि यहाँ पर जैसे दिखाया गया, मान लो जैसे ये जो दिखा हुआ, देखो ये एलिमेंटल हो गया, देखो अब सिलिकॉन को कार्बन के साथ मिला दिया, बोथ आर फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स, दैट विल ऑल्सो बिहेव लाइक ए सेमीकंडक्टर। नाउ इफ यू मिक्स एल्युमिनियम विद फास्फोरस, एल्युमिनियम इज ग्रुप थ्री एलिमेंट एंड फास्फोरस इज फिफ्थ ग्रुप, सो इफ यू मिक्स देम दे विल बिहेव लाइक फोर्थ ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। सिमिलरली एल्युमिनियम विद आर्सेनिक, दिस फास्फोरस आर्सेनिक बिस्मथ दे आर इन विच ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, and this aluminium is in third group, so if you mix them you are going to get the material which is similar to semiconductor, gallium phosphorus, ठीक है, इस तरह का। अब क्या है देखो, second और sixth group भी आ सकता है, second means जिसके last जो तुम्हारा conduction जो last वाला जो उसका last orbit है उसमें दो element है, in last orbit we have only two element in two electrons and sulfur, sulfur में 6 होंगे, ठीक है, तो 2 है इसमें 6 है, अगर इसका equal amount mix किया जाए then they may behave like fourth group elements, ठीक है, तो इस तरह से भी बनाए जाते हैं compounds, और ये सब सारे जो है वो semiconductor की तरह behave करते हैं, and why these are made, because we have variety of semiconductor devices and वेराइटी ऑफ नीड्स, किसी में ऐसा बैंड जो हमारा एनर्जी का डिफरेंस चाहिए डिफरेंट लेवल्स के बीच वो इतना होना चाहिए, कभी रेड लाइट हमें बनाना है, कभी ब्लू लाइट बनाना है, ग्रीन बनाना है, डायोड, अलग अलग डिवाइसेस के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये चीज होता है, तो इसमें लिख लो दो तरह के होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल, वन इज एलिमेंटल एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड सेमीकंडक्टर। We have elemental in which we will have pure element and we can have compound semiconductors in which 3 and 5th group can be mixed in equal amount, 4th and 6th group can be mixed in equal amount, we can have 3 elemental also, gallium, arsenic, phosphorus, so gallium is 3rd group and these two are in 5th group, so if gallium is mixed in suppose X amount then arsenic and phosphorus should be mixed in x by 2 and x by 2 amount, ठीक है, amount उनका ऐसे रहना चाहिए कि fourth group की तरह behave करे,
if this is in x amount, then this 2 should be x by 2 and x by 2 amount. Then they will be have like fourth group element. लिख लो ऐसा. हाँ ऐसे लिख लो. ठीक है. Short पूरा example लिखने की नहीं है, but write at least some examples. ठीक है. Short भी लिखो, अपने language में लिख सकते हो. Third plus fourth fifth group एक हो जाएगा. ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. ठीक है देखो पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो कहां पर आएंगे ये सब. देखो पीरियोडिक टेबल इफ यू सी दीज आर द सेमीकंडक्टर मटेरियल. ठीक है यहां पर आते हैं ये वाले ग्रुप. ठीक है कौन कौन सा है. कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड. अब देखो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं क्या चीजें लिखने की जरूरत नहीं है. देखो वाइड वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मटेरियल प्रोवाइड डिवाइस इंजीनियर्स विद ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी टू डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन. ठीक है देखो ये अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज होते हैं ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैव दिस मटेरियल्स. अब इसमें क्या होता है इनका थोड़ा थोड़ा इसमें एलिमेंट कुछ मिला के अब जैसे थर्ड फिफ्थ वाला को मिला के कुछ बनाया उसमें भी कुछ इम्प्योरिटी डाल के इनका प्रॉपर्टीज को बहुत तरीके से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं और इसी वजह से ये बहुत फ्लेक्सीबल होता है इनका यूज. वो एक ही केवल सेमीकंडक्टर को ही अलग अलग तरीके से यूज करके हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टी लेकर और अलग अलग तरह के डिवाइसेज बना सकते हैं. ठीक है देखो हम लोग उसके आगे देखते हैं. जर्मेनियम है. ठीक है जर्मेनियम जो है वो शुरू के टाइम में जब नया नया सेमीकंडक्टर स्टार्ट हुआ था ना उस समय जर्मेनियम जो है जर्मेनियम वाज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द डिवाइसेज बट नाउ सिलिकॉन इज यूज्ड. व्हाई बिकॉज सिलिकॉन इज वेरी इकोनॉमिकल टू यूज. सिलिकॉन कहाँ होता है. सिलिकॉन इज फाउंड इन सैंड. सो सिलिकॉन इज वेरी इकोनॉमिकल टू यूज दैट्स व्हाई सिलिकॉन इज used in majority of the devices. अब उसके बाद क्या हुआ compound अब use में आने लगे ज़्यादा. compound क्यों use हो रहा because compounds are having more flexibility as compared to these elemental semiconductors. compound क्योंकि अलग अलग तरीके से मिला के बहुत तरह के properties बनाए जा सकते हैं अपने हिसाब से. ठीक है जैसे लिखा है are widely used in high speed devices requiring emission or absorption of light. diode जो LED सब होते हैं ना है? रेक्टिफायर जो होता है तुम्हारा ये जो एसी आता है ना एसी को हम लोग पहले किस में कन्वर्ट करते हैं. मैं एसी को अगर डीसी बनाना होता है तो कैसे करते हैं. एसी को डीसी बनाना होता है तो कैसे करते हैं. रेक्टिफायर से करते हैं ना. हम डिस्कस किए थे ना एसी को डीसी बना डिस्कस किए हैं इस चीज को है? थोड़ा बहुत डिस्कस किए होंगे एसी को डीसी कन्वर्शन वाला इस चैप्टर में. ठीक है नहीं डिस्कस किए हैं एसी डीसी अलग अलग डिस्कस किए हैं बट इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ एसी कैन बी कन्वर्टेड विद टू डीसी. रेक्टिफायर्स होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए. ओके फिर देखो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर आर स्ट्रांगली इफेक्टेड बाय इंप्यूरिटीज. जैसा कि मैं बोला था अलग उसमें कुछ इंप्यूरिटी डाला आता है तो और भी उनका प्रॉपर्टी को मॉडिफाई किया सकता है विच मे बी एडेड इन प्रिसाइजली कंट्रोल्ड अमाउंट. ठीक है कंट्रोल अमाउंट में इंप्यूरिटी डालते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग. डोपिंग जो होता है एक प्रोसेस होता है इन विच वी ऐड द इंप्यूरिटी टू द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स टू गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी. ठीक है अब देखते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है सिलिकॉन का. देखो सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है. सिलिकॉन के 14 है इसका एटॉमिक नंबर. सबसे इनर वाले में 2 होता है फिर उसके बाद 8 होगा फिर उसके बाद लास्ट में 4 होता है. तो इसको बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा. स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा. 4 और सिलिकॉन से कंबाइंड करेगा. ठीक है टेट्रावेलेंट है.
ठीक है। अब जैसे दूसरा आ गया तुम्हारा जर्मेनियम, जर्मेनियम का भी लास्ट में जो होता है चार एलिमेंट ही होता है, जर्मेनियम ऑल्सो है फोर एलिमेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, इसमें भी फोर एलिमेंट होते हैं, तो दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है ना सिमिलर टाइप के होते हैं। ओके, अब देखो अगर हम इसको देखें कैसे क्रिस्टल में कैसा दिखाई पड़ता है, ठीक है, तो क्रिस्टल में कैसा दिखाई पड़ेगा, एक सिलिकॉन जुड़ा हुआ उसके साथ चार ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस टाइप का दिखाई पड़ता है। तो ये सब बना लो, ठीक है, ड्रॉ कर लो और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू नियर बाय एटम्स। हाँ सारा सिंगल बॉन्ड है, वैसे दिख रहा है डबल नहीं लिखा हुआ, सिंगल बॉन्ड ये टू इलेक्ट्रॉन्स पर बॉन्ड, वो इसलिए डबल ऐसे करके दिखा दिया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर हम लोग करते हैं, क्लासिफिकेशन एक तो हम लोग देखे सेमीकंडक्टर मटेरियल का देखे ना क्लासिफिकेशन, और भी एक क्लासिफिकेशन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक एंड एन टाइप पी टाइप। देखो इसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक मींस द सेमीकंडक्टर इज प्योर, इंप्यूरिटी इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया, ठीक है। एक्सट्रिंसिक मींस उसमें इंप्यूरिटी ऐड किया गया, एंड इम्प्यूरिटी जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ सपोज वी हैव सिलिकन प्योर सिलिकन दैट विल बी कॉल्ड इंट्रिंसिक। नाउ इफ वी एड सम अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम इज एडेड देन इट विल बी कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। एल्यूमिनियम ऐड कर दिया या फिर फॉस्फोरस ऐड कर दिया तो एक्सट्रिंसिक, बहुत कम अमाउंट में ऐड किया था, डोप किया था। एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एन टाइप एंड पी टाइप। अगर एन टाइप बोलते हैं, अगर फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट ऐड किया जाता है तो उसको एन टाइप बोलते हैं, और थर्ड ग्रुप का एलिमेंट अगर उसमें डोप किया जाता है तो पी टाइप बोलते हैं, ठीक है। उसको लिख लो क्या होता है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, लिखो व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लिखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड एक्सट्रिंसिक क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर विच हैज बीन डोप्ड दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड इफ इंप्यूरिटी डोप्ड इज एन टाइप is from fifth group then it is called n type, and if it is from third group it is called p type।